आम आदमी को गाड़ी की सीट पर तो बिठाएं, लेकिन क्यों ना साथ ही हवाई जहाज की सीट पर भी। कच्चे तेल के दामों के चलते अगर दबाव है इतना हवाई जहाज की टिकटों पर, क्यों ना सरकार टैक्स कम करके हमें कुछ राहत दे। 2008 में मंदी ने कम किया आपका हॉलिडे बजट, लेकिन कहीं घूमने का प्लान टाल ना दे, इसके लिए कंपनियों ने सस्ते कर दिए ट्रैवल पैकेज। 8,000 रुपए के रिटर्न पर आप घूमाए बैंकॉक, 18,000 रुपए में मिला सिंगापुर का रिटर्न टिकट और 22,000 रुपए में उठाया पेरिस के रिटर्न टिकट का फायदा। अब जानना चाहते हैं कि क्या इस साल भी छुट्टी पर मिलेगी छूट? हाँ, ये हॉलिडे पैकेज जरूर सस्ते होने चाहिए। मोबिलिटी बढ़ती है, सरकार को पैसा आता है, आम आदमी घर से नहीं निकल पाता क्योंकि रूटीन के एक्सपेंसेस इतने हैं। फिलहाल एयरलाइंस ने दाम बढ़ा दिए हैं क्योंकि हवाई ईंधन के दाम तोड़ रहे हैं उनकी कमर। कैसे मदद कर सकती है सरकार? हवाई ईंधन पर लगने वाला टैक्स कम करके। हर राज्य हवाई ईंधन पर लगाता है सेल्स टैक्स, कुछ राज्यों में ये जाता है 30% तक, पर अगर सरकार इसे बनाती है डिक्लेयर्ड गुड तो हवाई ईंधन पर हर जगह टैक्स होगा सिर्फ 4% और आपकी हवाई टिकट हो जाएगी सस्ती। वैसे तो आप अपने ट्रैवल पैकेज को सीधा होटल से भी खरीद सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप किसी ट्रैवल एजेंट से बुकिंग करते हैं तो आप देते हैं कमीशन और सर्विस टैक्स भी, जो पैकेज को थोड़ा और महंगा बना देती है। जब आप किसी ट्रैवल एजेंट से लेते हैं पैकेज तो आप भरते हैं होटल बुकिंग पर 1.23% का सर्विस टैक्स, अगर करें साइट सीइंग या ले ट्रांसपोर्ट तो उस पर भरते हैं 2.58% का सर्विस टैक्स। अभी बाकी है ट्रैवल एजेंट की कमीशन 10% की और कहीं कहीं तो 300 से 500 रुपए का सर्विस चार्ज भी। अगर आप हवाई टिकट को सीधा ऑनलाइन बुक करें तो आप बचाते हैं 1200 रुपए की ट्रांजैक्शन फीस, जो एजेंट से हवाई टिकट बुक करने पर आपको भरनी पड़ती है। तो ये सब बढ़ाते हैं आपके ट्रैवल पैकेज की कीमत। मेन इशू है सर्विस टैक्स का, अगर सर्विस टैक्स अबॉलिश हो जाए एटलीस्ट हमें कुछ राहत मिलेगी 25% के ऊपर, जो हमारा पैकेज कॉस्ट है उसके 25% के। पहले हमारे 40% पे लगता था, वो तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था देना, पर दुर्भाग्य की बात है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो मिनिस्ट्री से रेकोगनाइज टूर ऑपरेटर है वो दे रहे हैं, जो अनरेकोगनाइज है जो हर साल अपनी कंपनी का नाम बदल देते हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है वो कोई टैक्स नहीं देते। पहले मंदी, फिर आतंकवादी हमला और अब स्वाइन फ्लू, सबने डाला पर्यटन पर बुरा असर। क्या सरकार कम करेगी कर? क्या सस्ती होगी हमारी छुट्टियाँ? ग्रेट इंडियन बाजार के बजट विशेष में फिलहाल समय है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे क्या हो सकता है सस्ता, क्या हो सकता है महंगा इस बजट में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें हमारा SMS नंबर जो है 5688। आपकी कोई भी प्रतिक्रिया हो सबसे पहले टाइप करें GIB, लिखिए अपना मैसेज और उसे 56388 पर SMS करें। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आधी से इनकम तो टैक्स में चली जाती है, जॉब मिलनी चाहिए, किस्तों कम होना चाहिए, गवर्नमेंट करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। गवर्नमेंट टैक्स नहीं कम करती।